ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं दिया है। मैथ्स में क्या होता है ना भाई, कोई 7000 क्वेश्चन का बुक बना रहा है, कोई 11000 क्वेश्चन का बुक बना रहा है। मैं कह रही भैया कुछ नहीं करना, ये छोटी सी पतली सी किताब है, अगर क्लास चैप्टर पढ़ लो और ये क्वेश्चंस कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। भारत का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो छूटेगा आपका। वॉल्यूम वन में जितनी वोकैबुलरी है बेटा, वही वोकैबुलरी रिपीट होता है। बहुत बच्चे कहते हैं मैम वोकैब का बुक अलग से लाइए क्योंकि बाजार में अलग से बुक है। मुझे कभी कभी लगता है यार बच्चे क्यों इतना भटकते हैं, कहते चलो कोई बात नहीं, वोकैब का बुक बिक रहा है तो बहती गंगा मैं भी हाथ धो लूं, मैं भी अपना वोकैब का बुक ला रही हूं, मेरे वोकैब का बुक का कोई बराबरी कर दे। और पता है क्यों इतने घमंड से मैं कहती हूं, क्योंकि बेटा मैं अपने हाथ से लिखती हूं, मुझे अच्छे से पता है बाजार में क्या चल रहा है। कॉपी एंड पेस्ट, यहां से उठाओ वहां से उठाओ वहां से उठाओ, मिलाओ और अपने दो चार बच्चों को अपॉइंट कर लो 4-6 घंटे का और उनको पैसे दे दो, वो देख लेंगे कि मैं अगर किताब लिखूंगी उसके बाद उसका बराबरी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक टीचर बैठ के लिख रहा है, वहां पर एक स्टूडेंट बैठ के लिख रहा है। ये आप रट्टा मार के अलग से रख लो, ये 5 से 6 चैप्टर्स आपका एक स्ट्रक्चर बिल्डअप कर देगा और बाकी जो चैप्टर्स है उसको पढ़ो और उसके पीछे जैसे मेरा अगर वॉल्यूम 1 से पढ़ोगे चैप्टर पढ़ो और पीछे से जो क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं दिया है। मैथ्स में क्या होता है ना भाई, कोई 7000 क्वेश्चन का बुक बना रहा है, कोई 11000 क्वेश्चन का बुक बना रहा है। मैं कह रही भैया कुछ नहीं करना, ये छोटी सी पतली सी किताब है, वो हर चैप्टर के पीछे 50 से 60 क्वेश्चन दिया है, अगर क्लास चैप्टर पढ़ लो और ये क्वेश्चंस कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। हाँ ये जरूर कहूंगे मैं कि अगर मेरे से आप पढ़ लोगे तो उसके बाद भारत का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो छूटेगा आपका। बस ये मैं आपको शॉर्ट में बताना चाह रही थी कि बेटा पहले जैसे आप कहते हो ना कि मैम मुझे इंग्लिश सीखना है, मैं सीधा पूछती हूँ बेटा क्या पर्पस है, पहले ये तो बताओगे। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप वॉल्यूम 1 से शुरुआत करिए, अगर एक कोर्स ले सकते हो तो ले लो। वॉल्यूम 1 में जितनी वोकैबुलरी है बेटा, वही वोकैबुलरी रिपीट होता है। बहुत बच्चे कहते हैं मैम वोकैब का बुक अलग से लाइए क्योंकि बाजार में अलग से बुक है। मुझे कभी कभी लगता है यार बच्चे क्यों इतना भटकते हैं, फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, वोकैब का बुक बिक रहा है तो बहती गंगा मैं भी हाथ धो लूं, मैं भी अपना वोकैब का बुक ला रही हूं, मेरे वोकैब का बुक का कोई बराबरी कर दे। और पता है क्यों इतने घमंड से मैं कहती हूं बराबरी कर दे, क्योंकि बेटा मैं अपने हाथ से लिखती हूँ, मुझे अच्छे से पता है बाजार में क्या चल रहा है। कॉपी एंड पेस्ट, यहां से उठाओ वहां से उठाओ वहां से उठाओ, मिलाओ और अपने दो चार बच्चों को अपॉइंट कर लो 4-6 घंटे का और उनको पैसे दे दो, वो देख लेंगे। बाकी क्या होता है, पहली बार निकलता है तो कुछ बच्चे बता देते हैं यहाँ पे कोई टाइपिंग एरर है, वहां पे कोई टाइपोग्राफिकल एरर है, यहाँ पे कोई स्पेलिंग एरर है, उसके बाद वो सही हो जाता है, बुक निकल जाता है। बेटा मैं अपने हाथ से लिखती हूँ, तभी मैं कहती हूँ कि मैं अगर किताब लिखूंगी उसके बाद उसका बराबरी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक टीचर बैठ के लिख रहा है, वहां पे एक स्टूडेंट बैठ के लिख रहा है। बेटा तुम मेरे बच्चे ही तो हो ना, तुम क्या लिख लोगे और कितना लिख लोगे क्या मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। चलो अगर किसी तरह का और कोई गाइडेंस चाहिए तो अगले क्लास में लास्ट में फिर मैं आपका 5 मिनट लूंगी और इसको जो मैंने चैप्टर्स के नाम बोले हैं ना फिर से रिवाइंड करके सुनना, लिख लेना और उसी ऑर्डर में पढ़ना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप सीधा वॉल्यूम 1 के कॉन्टेंट्स यानी पहला जो पेज है जिसमें चैप्टर के नाम लिखे हैं, बेटा वही तो लिखा है मैंने, वर्ब टेंस पैसिव वॉइस नरेशन क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंस, यही तो 5-6 शुरुआत का है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो सीधा सीधा आप वॉल्यूम 1 में जो कॉन्टेंट्स का जो ऑर्डर है ना बस उसी को फॉलो कर लो। बेटा वो क्या आपकी बुक आपको 1st week of December में आ जाएगी, मैंने कहा ना बहुत तेजी से काम चल रहा है, 1st week of December में आ जाएगी। बेटा वो क्या आपकी बुक आपको 1st week of December में आ जाएगी, मैंने कहा ना बहुत तेजी से काम चल रहा है, 1st week of December में आ जाएगी।